तो आज हम वापस से कंटिन्यू करेंगे हमारी ऑन गोइंग सीरीज टेम्पुरु को और एक्सप्लेन करेंगे उसका एपिसोड नंबर 3 टेम्पुरु नो वन कैन लिव ऑन लोनलीनेस। इस सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अगर आपने पास्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार चेकआउट जरूर करना। वीडियो को लाइक करते हुए चलो स्टोरी पे बढ़ते हैं। कहानी में अभी तक हमने देखा कि सारी लड़कियां आकिगामी को घर से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाती हैं, जहां उनके प्लान की मेन लीडर सुकियो थी। वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग अपने आकिगामी को थोड़ा बटर लगाएं और जैसी आकिगामी इसमें फिसले वो लोग उसकी गलती निकाल कर उसको घर से बाहर निकाले। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है, जहां मिया अपने आकिगामी को घर पे देख काफी गुस्से में थी। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि मिया काफी गुस्से में है। उसके मन में ये बैठा हुआ है कि हमारे टेंपल की बर्बादी का कारण ये आकिगामी बनेगा। वो गुस्से में आकिगामी को कहती है कि तुमने भले युजुकी और सुकियो को हरा दिया हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारा औजार जरूर काटूंगी। एंड लिटरली उसने यही बोला था, मैं कुछ खुद से बना के नहीं बोल रहा हूं, तुम सबटाइटल्स में चेक कर सकते हो। तो या अब बेसिकली मिया और आकिगामी की फाइट होने वाली है। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि कागुरा, सुकियो और युजुकी ये तीनों ही किसी काम से बाहर जाने वाली हैं। वो आकिगामी को कहती हैं कि तुम फाइट में अपना बेस्ट देना और हो सके अपने पंचेस का ज्यादा इस्तेमाल करना। वहीं दूसरी तरफ मिया की दोस्त उसको एमएमए फाइटर की तरह उस पर पट्टियां बांधती हैं। आकिगामी बाहर देखता है कि अपनी मिया उसके लिए रेडी है। वो मिया को उसके नाम से पुकारता है, जहां मिया उसको कहती है कि मैं तुमसे पहले आई हूं इस टेंपल में, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। आकिगामी कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल हम दोनों अभी सेम पोजीशन में हैं। वहीं वो इस लड़की से बात करता है जो कि मिया की बड़ी बहन बताई जा रही है। आकिगामी फिर अपनी मिया से कहता है कि लड़ाई का क्या फायदा, छोड़ दो ना इनको। मिया कहती है अच्छा मैं कैसे भूल जाऊं कि तुमने मुझ पर हमला किया। तो ये बात यार एपिसोड नंबर 1 की है और अपने प्रोटैगनिस्ट आकिगामी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। और अब अगले सीन हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की कटाना पकड़ रेडी हैं। एंड फिर वो हया कुनीन को याद करती है। तो हया कुनीन बेसिकली एक ऐसा बंदा है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जिसने काफी सारे लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को मारा था। एंड अपनी मिया का भी माइंडसेट यही है कि वो आकिगामी को हराएगी ताकि टेंपल के बाकी लड़कियों को बचा सके। जैसी मैच शुरू होता है हमें दिखाया जाता है कि मिया ने काफी तेजी में आकिगामी के बाल काट दिए। आकिगामी ये देख रियलाइज करता है कि ये तो बहुत सीरियस हो रखी है। वहीं मिया उसको कहती है कि अगला बार तुम्हारी स्किन पे होगा। आकिगामी भी सोचता है कि इस मिया को कैसे हराए बिना उसको चोट पहुंचाए। तभी मिया उस पे फास्टली अटैक करती है, मानो कि उसको मारने ही वाली थी। आकिगामी भी अपनी स्वर्ड छोड़ अपने दोनों हाथों से स्वर्ड पकड़ने को रेडी था। तभी हम देखते हैं कि मिया की पट्टी बाहर आ चुकी है, जिसको उसकी बहन पकड़ लेती है और फिर वो एक्सपोज हो जाती है और अपने आकिगामी का हाथ तलवार पे कम बलूनों पे पहुंच जाता है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि मिया काफी शर्मा रही है बिकॉज वो मैच हार चुकी है। उसकी बहन काफी खुशी होती है और कहती है कि तुम अब हार चुकी हो और अब आकिगामी डिसाइड करेगा कि इसको कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी मिया की बहन आकिगामी को एक ऐसी किताब देती है जिसमें काफी सारे पनिशमेंट्स थे और उसमें काफी खतरनाक पनिशमेंट्स भी थी, हो तुम लोग ना समझो। तभी आकिगामी उससे कहता है कि तुम्हें कोई पनिशमेंट मैं नहीं दूंगा, मुझे बस तुमसे एक चीज चाहिए। और वो फिर अपनी फिंगर से उसकी तरफ इशारा करता है। आकिगामी मेनली वो किताब चाहता था जो उसके हाथ में है, लेकिन मिया को लगता है कि आकिगामी की नजर उसके बलूनों पे है। और फिर आकिगामी उसके पास आके कहते हैं कि प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे दे दो, प्लीज एक दिन के लिए ही दे दो, बस दे दो मुझे। और वो काफी शर्मा चुकी थी बिकॉज अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी और वो फिर डर के मारे वहां से भाग जाती है। अगले सीन हमें आकिगामी दिखाया जाता है जो कि सो रखा था। एंड वो मनीमान सोचता है कि पता नहीं उस बुक में कितने सीक्रेट्स होंगे, कौन कौन सी पनिशमेंट्स होगी उसमें। तभी उसकी आंख खुलती है और देखता है कि मिया उसके ऊपर ही बैठी है। मिया उसको कहती है कि तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देने को रेडी हूँ, मैं कभी चुनौतियों से नहीं भागती, मेरी गलती है तो तुम मुझे सजा दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी। और ये बोलते ही वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। एंड इधर हमारे खुद आकिगामी को समझ नहीं आता है कि उसने क्या मांगा था, उसको क्या मिल रहा है। एंड वो उसको काफी ज्यादा भैला फुसला रही है कि ये सपना है, इसको तुम भूल जाओगे, अब रेडी हो जाओ। वही अपना आकिगामी बस छूट ही चुका था, वो रियलाइज करता है कि आसपास कोई है तो नहीं। तभी देखता है कि मिया की जो बड़ी बहन है वो उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही है। तभी वो तेजी में खड़ा होता है और उसको कहते है कि ये तुम क्या कर रही हो। मिया कहती है कि वही तो कर रही हूँ जो तुमने मुझे पनिशमेंट दी है। वो कहता है मैंने तुमसे ये चीजें कब मांगी थी। मिया को कुछ समझ नहीं आता लेकिन अपना आकिगामी सब समझ चुका था। वो उसको कहता है कि बेवकूफ मुझे तुम नहीं, मुझे वो किताब चाहिए जिसमें पनिशमेंट्स लिखी हुई है, तुम्हारा मैं क्या ही करूंगा। और ये सुन के मिया को काफी डिसरिस्पेक्टिंग फील होता है और शर्माते वहां से भाग जाती है। इधर इसकी बड़ी बहन अपने प्रोटैगनिस्ट के कान में कुछ कहती है। वहीं पे ये भागते भागते मेडिटेशन रूम में छुपने की कोशिश करती है। जैसी अंदर जाती है वो देख पा रही थी कि अपना आकिगामी भी वहां पर है, जहां आकिगामी उसको बताता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे यहां भेजा है। तभी आकिगामी उसको कहते कि तुम यहां पे क्यों आई हो। वो ज्यादा उसको कुछ नहीं कहती और कहती कि उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और ये बोलती जैसी दरवाजा खोलती है वो रियलाइज करती है कि उसका दरवाजा ही बंद हो चुका है। एंड यहां हम देख सकते हैं कि कागुरा ने बाहर से कुंडी और ताला दोनों लगा दिया। यहीं पे अपना आकिगामी भी वहां सोचता है कि इस खिड़की से भी हम बाहर नहीं निकल सकते, मेरे पास तो ना फोन है ना कोई कनेक्शन है, अब हमें यहीं पे रहना होगा। तभी आकिगामी को एक ब्लैंकेट मिलता है जो मिया को देने वाला था, जहां वो अपने आकिगामी को मना करती है और कहती कि मैं नहीं चाहती कोई आदमी मुझे छुए। तभी आकिगामी को काफी अजीब सी डेस्क मिलती है जिसके बारे में वो अपनी मिया से पूछता है। मिया कहती है कि यार मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब क्यों दूं। बाय द वे वो एक सूत्रा
ट्रांसक्रिप्शन टेस्क है जिसके अंदर उन लोगों का कटा सिर रखा जाता है जो कि बुद्धा की बात को नहीं मानता। ये बात मुझे मेरी बड़ी बहन ने बोली है और अगला सिर तुम्हारा होगा इसमें। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, अगर तुम्हें यही बात नहीं पता तो तुमने टेम्पल ही ज्वाइन क्यों किया। फिर ये बोलते ही अपनी मियाँ को छींक लगती है और छींक लगने के बाद आगामी उसके पास आकर उसका ब्लैंकेट पहनाने वाला था। वो काफी घबरा जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता और फिर रोना शुरू कर देती है। ये देख आगामी उसको ब्लैंकेट ओढ़ ही देता है। मियाँ उसको कहती कि प्लीज तुम मेरे ऊपर इतनी काइंडनेस मत दिखाओ। अब हम देख सकते हैं दोनों ही काफी डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। मियाँ उससे सवाल करती कि अभी जो भी हुआ और तुम्हारे कमरे में जो हुआ उस रात, क्या तुम उसको भूल सकते हो। आकेगामी कहता है कि मैं नहीं भूल सकता क्योंकि काफी डिफिकल्ट होगा भूलना। आकेगामी साथ में कहता है कि तुम आजकल काफी वियर्ड एक्ट करने लग गई हो। मियाँ कहती है कि ये मेरा ट्रू नेचर है, मैं पहले से ही ऐसी थी और इसमें सबसे बड़ा रीजन है मेरी फैमिली कर्स का, और यही कारण है कि मैं यहाँ पे जापान आई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कहानी भूल जाओगे। वो अपनी कहानी बताती है और उसकी कहानी और अपने आकेगामी की कहानी ऑलमोस्ट सेम थी। वो एक ऐसी फैमिली में पैदा होती है जहाँ पे उसकी मदर उसको कहती है कि बेटा तुम्हें अच्छे दोस्त अपने आसपास रखने हैं, और वो अच्छे ही नहीं वो हॉट भी होने चाहिए। और बेसिकली हम लोग देख सकते हैं और आगे वो एक्सप्लेन भी करती है कि उसकी मम्मी के काफी सारे हॉट दोस्त थे। कुल मिलाकर तुम समझ ही रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे। जहां वो बात करती है कि वो स्कूल भी जाती थी, वो इसी माइंडसेट से जाती थी कि वो भी अपनी मम्मी की तरह काफी हॉट दोस्त पटाएगी। उसकी ऐसी मेंटेलिटी देखकर धीरे धीरे करके हर कोई दोस्त उससे दूर होने लग गया, और जब तक उसको पता चलता कि ये चीजें गलत है तब तक उसके सारे दोस्त दूर हो चुके थे। और तभी स्कूल में उसकी मुलाकात और दोस्ती होती है उसकी बड़ी बहन कागुरा से, जिससे हर चीज शेयर करती थी। और फाइनली कागुरा ने उसको इस टेंपल के बारे में उसको बताया जहाँ पे फाइनली वो अपनी फैमिली की कर्ज से दूर हो सकती थी और वो सारे मेन से दूर रहती। वो खुश थी, वो चाहती थी कि वो एकदम ही अलग इंसान बने, लेकिन जब से अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे आया हर चीज तबाह हो गई। खैर मैं तुम्हें भी क्या ब्लेम दूँ, कोई नहीं मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन अपना प्रोटैगनिस्ट भी काफी रो पड़ता है बिकॉज उसकी और उसकी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी। वो थोड़ी हैरान भी होती है, उसको रियलाइज होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं कि हम दोनों एक साथ मिल रहे हैं। बेसिकली अपने माइंड में ये सोच रही थी कि उसका आकेगामी उसके सपनों का राजा तो नहीं। वो मन ही मन सोचती है कि वो अब आकेगामी से अब दूर रहने लगेगी, लेकिन आकेगामी उसको एनकरेज करता और कहते कि चलो अब हम दोनों ही एक साथ अपना मिशन पूरा करेंगे। तभी वहाँ पे इसकी बहन आती है और उनको डरा देती है, और वो ऑब्वियसली काफी टाइम से वहीं पे बाहर थी और वेट कर रही थी कब इन दोनों का मैटर सॉल्व होगा। और अब वो उन दोनों को एक अलग सी बुक देती है, और जिसके बाद फिर सुबह हो चुकी थी। उसकी बड़ी बहन उन सबकी वीडियो बनाती है। वही युजुकी झाड़ू मारते हुए उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसको काफी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देख पा रही है कि वो लोग एक मैट पे डांस कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी बड़ी बहन उसको बताती है कि ये लोग पूरी रात भर यही कर रहे थे। और फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि सारा मैटर युजुकी को समझ आ चुका है। तभी वहाँ कीकी आती है जो उससे कहती है कि युजुकी तुम्हें तो आज मीटिंग में जाना था ना, तुम भूल गई, तुम्हारी इस मीटिंग से पूरे टेम्पल का फ्यूचर डिसाइड होगा। ये सुनते अगले सीन में वो और आकेगामी भागते हुए जाते हैं। आकेगामी फिर उससे पूछता है कि मीटिंग कहाँ पर है, जहाँ उसको रिप्लाई में बताती है कि रियुकु को टेम्पल में मीटिंग है। आगे वो बताती है कि हमें बस ढूंढनी होगी ताकि हम जल्दी पहुंच सके, लेकिन मुझे तो किमोनो पहना था और मैंने तो पहना भी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पहले किमोनो की दुकान पे काम करता था। आगे वो बताती है कि ये टेम्पल बहुत जल्द बंद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीस्ट भी नहीं है और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं रहते। अगर हम लोग इस मीटिंग में पहुंच गए तो हो सकता है कि इस टेम्पल को एक नया प्रीस्ट मिले। जहाँ आगामी उससे कहता है कि यानी कि तुम शादी इसलिए कर रही हो ताकि तुम टेम्पल को बचा सको। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियली इन दोनों की बस छूट चुकी है, वो दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे। तभी अपना आकेगामी एक स्कूटर दोस्त से लोन लेता है और फिर वो दोनों एकदम थ्री इडियट के रेंचो की तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी बुरी किस्मत उनका साथ नहीं छोड़ती और फिर तभी स्कूटी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। तभी उन लोगों की बस दिखती है जिसके ऊपर वो बैठ जाते हैं, और बाद में उन लोगों को पता चलता है कि वो बस नहीं एक ट्रक थी। युजुकी श्योर थी कि टेम्पल बहुत जल्द बंद हो जाएगा उसके कारण, लेकिन अपना आकेगामी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम यहीं पे किमोनो चेंज कर सकती हो, स्टॉप आते ही हम लोग दूसरा ट्रक लेंगे। और अब मीटिंग शुरू होने में 30 मिनट यानी कि आधा घंटा और बचा है। और वेल इसी के साथ हमारे टेम्पल नो वन कैन लिव ऑन लोनलीनेस के एपिसोड नंबर 3 का हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है। इसके पास्ट एक्सप्लेनेशन अगर तुमने नहीं देखे हैं तो इसको चेकआउट जरूर करना। वैसे भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताना तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा लगा तुम्हें। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से फॉलो कर लेना। और हाँ, ब्लैक क्लोवर के एक्सप्लेनेशन के लिए सेकंड चैनल को फॉलो करो। तो बस फिर दोस्तों, मैं आप सभी से मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक और एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक लेट्स लर्न योर हिंदी, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।